गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम जो ड्रग देखने वाले हैं दैट इज द मेट्रोनिडाजोल और इट इज अ पार्ट ऑफ एंटी होम्योपैथिक ड्रग। हमने एंटी होम्योपैथिक ड्रग लिखा पढ़ा है इसके पहले। एंटी होम्योपैथिक मतलब दीज आर द ड्रग विच प्रिवेंट द होम्योपैथिक इन्फेक्शन, और वो होम्योपैथिक इन्फेक्शन किससे होता है तो पॉजिटिव एजेंट का नाम आपको पता होना चाहिए, दैट इज द एंटामोबिया हिस्टोलिटिका। ओके, तो उसकी वजह से जो इन्फेक्शन दैट इज द होम्योपैथिक इन्फेक्शन जो कॉज होता है उसको हम एंटी होम्योपैथिक ड्रग बोलते हैं। और ये एंटी जो होम्योपैथिसिस है क्या साइन एंड सिम्टम शो करता है, इसमें डिसेंट्री रहती है, डायरिया, पर्टिकुलरली हिपैटिक मतलब लीवर और इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में ये सबसे ज्यादा मेजर रोल करता है। तो सबसे पहले क्या है, स्टमक को इन्फेक्शन कॉज करता है, उसमें डिसेंट्री, डायरिया ये सिम्टम्स आते हैं। फर्दर में इन्फेक्शन स्प्रेड टू द इंटेस्टाइन एंड गोज टू द लीवर। तो ये होम्योपैथिसिस है जो ऑलरेडी हमने पढ़ा है। आज हम जो ड्रग देखने वाले हैं दैट इज द मेट्रोनिडाजोल। एनुअल पॉइंट ऑफ व्यू मेट्रोनिडाजोल ड्रग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे चैप्टर में हमको एक ही स्ट्रक्चर पढ़ना है और वो है मेट्रोनिडाजोल, तो उसको हम पढ़ते हैं। स्टार्ट विद द मेट्रोनिडाजोल। एक्चुअली अगर हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर के नाम में स्ट्रक्चर के कुछ ग्रुप छुपे हैं तो उसमें से थोड़ा सा क्लू लग सकता है। निडाजोल मतलब इमिडाजोल डेरिवेटिव हम ऐसा बोल सकते हैं। क्लासिफिकेशन में भी हमने उसको कवर किया, दैट इज द फ्यूराइन डेरिवेटिव और इमिडाजोल डेरिवेटिव में जो हमने पढ़ा है इमिडाजोल डेरिवेटिव कंटेनिंग मेट्रोनिडाजोल स्ट्रक्चर है। तो अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें इमिडाजोल ये बेसिक है इतना ही पता चलेगा, बाकी तो कुछ नहीं पता चलेगा। तो बाकी का स्ट्रक्चर हमको एज इट इज लर्न करना है। तो क्या है, इमिडाजोल स्ट्रक्चर है इसके फर्स्ट पोजीशन पे CH2CH2OH मतलब दो कार्बन है और OH है, दैट इज इथाइल अल्कोहल प्रेजेंट है। क्या बोला मैंने, CH2CH2 मतलब दो कार्बन है तो क्या बोलेंगे हम, इथा, और OH है मतलब ये अल्कोहल मॉलिक्यूल है इसलिए क्या है, इथेनॉल प्रेजेंट है। देन सेकंड पे मिथाइल ग्रुप अटैच है एंड फिफ्थ पे नाइट्रो NO2 ग्रुप अटैच है। ठीक है, इतना हमको एज इट इज लर्न करना है, इसके लिए कोई चॉइस नहीं। देन हम लिखेंगे केमिकल नेम। तो केमिकल नेम लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, पैरेंट रिंग सिलेक्ट करनी पड़ती है। तो क्या है पैरेंट रिंग, अभी हमने बोला कि मेट्रोनिडाजोल में क्या है, इमिडाजोल। तो इमिडाजोल क्या है, फाइव मेंबर रिंग हैविंग अ 1-3 नाइट्रोजन। तो ये जो रिंग है जो मैंने राउंड बनाया है वो क्या है हमारी, इमिडाजोल रिंग। ओके, तो पैरेंट न्यूक्लियस हमको मिल गया है इमिडाजोल। फिर ये इमिडाजोल को कितने साइड ऑफ अटैचमेंट है, उसको नंबरिंग भी दिया, तो 1 नाइट्रोजन है 1 और 3, तो उसके नंबरिंग भी पड़ेंगे 1, 2, 3, 4, 5। फिर फर्स्ट पे क्या अटैच है, तो हमने अभी बोला कि इथेनॉल अटैच है, तो अगर हमको सब्स्टिट्यूशन लिखना है तो हम इथेनॉल लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, इथेनॉल नहीं लिख सकते। तो क्या करना है हमको, इसको बायफर्गेट करना है। बायफर्गेट करेंगे तो हाइड्रोक्सी अलग हो जाएगा और इथाइल अलग हो जाएगा। ओके, तो हम क्या बोलेंगे, 1-hydroxyethyl। लेकिन इथाइल का जो हाइड्रोक्सी है वो कौन से कार्बन पे है, क्योंकि जैसे फिर 2 कार्बन फर्स्ट पे है कि सेकंड पे है। ओके, तो फिर हमको इथाइल को नंबरिंग देना पड़ेगा। तो नंबरिंग कैसे करेंगे, द कार्बन एटम विच अटैच टू द पैरेंट रिंग शुड बी नंबर 1, ऑलरेडी 1 यूज किया है तो इसलिए लेंगे 1- और सेकंड लेंगे 2-। ओके, क्या बोला मैंने, इथेनॉल है, इथेनॉल हम सब्स्टिट्यूशन में लिख सकते हैं क्या, नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे, उसको बायफर्गेट करेंगे। बायफर्गेट कैसे किया, OH अलग बन गया, इथाइल अलग बन गया। तो इथाइल में कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो दोनों कार्बन को नंबरिंग देना जरूरी है क्योंकि कौन से कार्बन पे हाइड्रोक्सी अटैच है वो हमको देखना है। तो फिर नंबरिंग देंगे, नंबरिंग कैसे देंगे, द कार्बन एटम विच इज अटैच टू द पैरेंट स्ट्रक्चर शुड बी नंबर 1, जिसने हमने इसको नंबर दिया 1- और इसको दिया 2-, तो हाइड्रोक्सी का अटैच है 2- पर अटैच है। ओके, फिर सेकंड पे क्या है, मिथाइल CH3, 5 पे क्या है नाइट्रो NO2, वो आपको आ गया। फिर हम केमिकल नेम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहला 1-1 का सब्स्टिट्यूशन ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि देयर विल बी अगेन नंबरिंग, तो क्या लिखेंगे, 2-hydroxy कॉमा इथाइल ब्रैकेट कंप्लीट, राइट, 1 का नंबरिंग लिख के हो गया, इथाइल के सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सी अटैच है। ओके, फिर क्या है, 2 कॉमा करेंगे, 2-methyl कॉमा, देन 5-nitro एंड लास्ट इज द पैरेंट रिंग दैट इज द इमिडाजोल। हो गया, समझ में आया केमिकल नेम क्या किया हमने, पहले सब्स्टिट्यूशन लिखा 1, 1 पे क्या है 2- का हाइड्रोक्सी लिखा 2-hydroxy, 2 कार्बन इथाइल ब्रैकेट कंप्लीट, 2-methyl लिखा, 5-nitro लिखा और लास्ट इज द इमिडाजोल, राइट, ये हो गया। फिर अगर हमको सेकंड टाइप का केमिकल नेम लिखना है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जब हम पैरेंट न्यूक्लियस सिलेक्ट करते हैं तो हमको 3 चीजें याद रखनी है, एक तो हेट्रोसाइक्लिक रिंग हो सकती है, दूसरा लार्जेस्ट कार्बन कंटेनिंग चेन हो सकती है, या तीसरा फंक्शनल।
ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं डबल से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ मेट्रोनिडाजोल का। ओके, ये स्ट्रक्चर हमारा बन गया, इसको नंबरिंग हमने दी है। अभी नंबरिंग कैसे देना बताती हूँ। क्या किया हमने, इमिडाजोल पैरेंट न्यूक्लियस लिया था, तो इसने इमिडाजोल को सबसे पहले नंबर दी। अभी हमको क्या करना है, इथेनॉल, अच्छे से सुनिए, सेकंड टाइप ऑफ केमिकल नेम बता रही हूँ जिसे मैंने डबल से स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। क्यों किया है, क्योंकि नंबरिंग विल बी डिफरेंट। तो फिर क्या करना है हमको, पहले टाइम में हमने इमिडाजोल एज अ पैरेंट रिंग ले ली है, सेकंड टाइप में हमको क्या करना है, इथेनॉल एज अ फंक्शनल ग्रुप हमको पैरेंट रिंग लेनी है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इथेनॉल का नंबरिंग करनी पड़ेगी। फिर हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, वो भी एक बड़ा क्वेश्चन है कि नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो हमने इस कार्बन का नंबर वन दिया था क्योंकि ये इमिडाजोल पोटैश था, लेकिन यहाँ पे जब हम इथेनॉल एज अ पैरेंट रिंग ले रहे हैं, द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच टू द कार्बन दैट शुड बी नंबर वन। क्या बोला, द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच टू द कार्बन, फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन को अटैच है उसको हमको नंबर वन लेना है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, यहाँ पे OH, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है OH, तो फिर इसको हम नंबर वन देंगे एंड दैट कार्बन विल बी टू। समझ में आया, और हमको नंबरिंग करना है, कर सकते क्या, नहीं, इधर भी कर सकते क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन, तो ये वन हुआ और टू हुआ, तो ये क्या है हमारा, इथेनॉल एज अ पैरेंट। ओके, फिर हम पढ़ेंगे कि इथेनॉल के सेकेंड कार्बन पे ये बड़ा सा सब्स्टिट्यूशन है, राइट, ये बड़ा सा सब्स्टिट्यूशन है, फिर इसको हमको क्या करना है, नंबरिंग करना है। फिर नंबरिंग कैसे करेंगे, ये कौन सी रिंग है, इमिडाजोल रिंग है, आपको पता है। फिर हम नंबरिंग करेंगे द नाइट्रोजन से, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1-2-3-4-5-। ओके, फिर हमको ये पता है 2- क्या है, CH3 मिथाइल है, 5- क्या है, नाइट्रो है। फिर हम इसको इमिडाजोल बोलेंगे क्या, इमिडाजोल बोलेंगे क्या, एज इट इज इमिडाजोल, नहीं, इसको हम इमिडाजोल नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे इमिडाजोली बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन में आने वाला है, क्यों, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन में आने वाला है। समझ में आया, क्या करेंगे, ई इज रिप्लेस बाय द वाई। फिर इसका केमिकल नेम कैसे लिखेंगे, तो बता, कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 है बराबर, तो फिर हम लिखेंगे 2 ब्रैकेट, कि मैंने ब्रैकेट बनाया, फिर 2 के अंदर क्या है वो लिखना पड़ेगा, क्या है, 2- है, 2- मिथाइल कॉमा 5- नाइट्रो, फिर क्या करेंगे, कॉमा, क्या बोला है हमने इसको, इमिडाजोल को क्या बोला है, इमिडाजोलिल, क्या लिखेंगे, इमिडाजोलिल, ब्रैकेट कंप्लीट, 2 पे इतना ही है, 2 पे इतना ही, तो ब्रैकेट कंप्लीट, एंड लास्ट इज द करंट रिंग क्या है, इथेनॉल। समझ आया, वैसे दो टाइप्स के हमने दो केमिकल नेम दिखे हैं। मेट्रोनिडाजोल का स्ट्रक्चर आपको दोनों केमिकल नेम से पढ़ना है, केमिकल नेम जब आप दूसरा लिखोगे तो नंबरिंग विल बी डिफरेंट, इसलिए उस नंबरिंग के साथ उसी केमिकल नेम को आपको लिखना है। ओके, नेक्स्ट हमको इसमें क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टीज एंड स्टोरेज पढ़ना है। तो प्रॉपर्टीज तो बहुत ईजी है, ये भी सॉल्ट फॉर्म में अवेलेबल है, सल्फेट सॉल्ट में अवेलेबल है, जो भी कंपाउंड सॉल्ट में रहता है हम क्या लिखते हैं, व्हाइट क्रिस्टल, ऑर्डरलेस, बिटर इन टेस्ट, सोल्युबल इन वाटर, ये 4 पॉइंट हमको लिखना है इसमें। स्टोरेज विल बी इजियर, इट इज स्टोर्ड इन वेलक्रोज कंटेनर इन है। देन यूजेस पे मेन फोकस है हमारा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रह है, ये चैप्टर का हमको लिखना ही, लर्न ही करना है, तो इसके यूजेस भी हमको डिटेल में पढ़ना है। डायरेक्टली ड्रॉ द स्ट्रक्चर जो केमिकल एंड यूजेस के लिए क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स के लिए। तो यूजेस पहला यूज रहेगा वही, इट चैप्टर का यूज क्या है, इट इज यूज एज अ एंटी अमियोपिक ड्रग। फिर सेकंड, इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ, किसके किसके ट्रीटमेंट में यूज होता है, अमियोपिक डिसेंट्री, अमियोपिक हेपेटाइटिस एंड लिवर अब्सेसेस बाय एंटामोबिया सोलिडिका। ऑलरेडी आपको बताया है अमियोपिक डिसेंट्री मतलब डायरिया सिम्टम, अमियोपिक हेपेटाइटिस मतलब लिवर इन्फेक्शन, और लिवर अब्सेसेस भी बोला है, मतलब अब्सेस मतलब एक्चुअली पस फॉर्मेशन होता है, और ये क्यों हो रहा है, एंटामोबिया सोलिडिका मतलब पॉजिटिव एजेंट की वजह से हो रहा है। अगर आपको ये नहीं आ रहा है, बाय के बाद नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप ये लिखते हो पॉजिटिव एजेंट का नाम तो आपका आंसर हटके दिखेगा, और मार्किंग होंगे वहां पे कटिंग के चांसेस नहीं देंगे, मार्क्स कटिंग के, इसलिए पॉजिटिव एजेंट का नाम हो सकता है तो लगा दीजिए। नेक्स्ट सेकंड इज जीआरडीएसएस, ये जीआरडीएसएस क्यों होता है, तो वो होता है ड्यू टू द जीआरडिया लैमबिला, जीआरडिया लैमबिला नाम का जो प्रोटोजोआ है वो जीआरडीएसएस कॉज करता है, उसके भी सिम्टम्स डायरिया और डिसेंट्री है, स्टूल विद द ब्लड, ये उसमें सिम्टम्स आते हैं, डायरिया वही होता है, डायरिया एंड डिसेंट्री सिम्टम्स
सिम्टम्स ड्यू टू द जीआरडीएल एंड नेक्स्ट जेनेटिक रेटेड ट्रैक इन्फेक्शन भी होता है, मतलब जिसको उसके ट्रीटमेंट में भी मेट्रोनिडाजोल यूज होता है। नेक्स्ट इट इज यूज टू ट्रीट अ सेप्टिसीमिया। एक्चुअली सेप्टिसीमिया मतलब क्या, तो ये जो इन्फेक्शन होता है तब इसके जो सिस्ट है या स्पीसीज जो है वो ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट होती है और बाकी अदर ऑर्गन को भी इन्फेक्शन से चांसेस है, उसकी वजह से आपको एक सीवियर टेम्परेचर रहता है, तो इसीलिए उसको स्पेक्टिसीमिया बोला गया है, मतलब स्पेक्टिसीमिया भी उससे होता है। नेक्स्ट इज द ब्रेन अब्सेसेस, मतलब ब्रेन में फर्स्ट फॉर्मेशन होता है निमोनिया, रेस्पिरेटरी में भी जो इन्फेक्शन होता है वो उसके ट्रीटमेंट में होता है। नेक्स्ट इज यूज टू ट्रीट अ ब्लाइंडिडियासिस। ब्लाइंडिडियासिस ड्यू टू द ब्लाइंडिडियम कोलाई, ये भी डिसेंट्री और डायरिया लाइक का सिम्टम शो करता है, तो वो है ब्लाइंडिडियासिस। इतने फोर इंजेस आपको इसमें कवर करते हैं। नेक्स्ट इज ऑफिशियल प्रिपरेशन। ऑफिशियल प्रिपरेशन तो सबको सिंपली पता ही है कि मेट्रोनिडाजोल स्टमक और इंटेस्टाइन को इन्फेक्शन कॉज करने वाला है, तो क्या रहेंगे टैबलेट्स और इंजेक्शन में वो अवेलेबल है, वही लिखा हमने मेट्रोनिडाजोल आईपी, ये डायरेक्टली ब्रांड नेम की जैसा है, जिससे ये सभी ड्रग का आप लिख सकते हो आईपीडीपी करके, देन मेट्रोनिडाजोल इंजेक्शन एंड मेट्रोनिडाजोल टैबलेट। देन ब्रांड नेम इसका आता है एनुअल पेपर में, ब्रांड नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेट्रोनिडाजोल का, तो ब्रांड नेम इज मेट्रोक्वीन, मेट्रोक्विनोन एंड फ्लैगिन। और ये जो ड्रग है वो सिंगल फॉर्म में नहीं है, सिंगल एंटी अम्यूबिक ड्रग नहीं है, ये जो मेट्रोक्वीन है या फ्लैगिन है इसके साथ अदर एंटी अम्यूबिक ड्रग भी है, तो उसके कॉम्बिनेशन में वो ब्रांड नेम बनाए हैं, मतलब जो ब्रांड नेम अवेलेबल है उसमें दो एंटी अम्यूबिक ड्रग है, कॉम्बिनेशन ऑफ द ड्रग ट्रीटमेंट है उसमें, तो ये जो ब्रांड नेम है वो आप बाकी ड्रग में भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हमको जो ड्रग देखना है दैट इज आइडोक्विनोन एंड क्लियोक्विनोन। आइडोक्विनोन और क्लियोक्विनोन ये ज्यादातर उधर पूछे नहीं जाते, उसकी प्रॉपर्टी स्टोरेज एंड यूजेस सेम एज लाइक मेट्रोनिडाजोल, ये भी सॉल्ट फॉर्म में अवेलेबल है, उसके स्टोरेज भी स्टोरिंग करके उसमें, और यूजेज जो है वो पूरे आप मेट्रोनिडाजोल लिख सकते हो, जैसे अम्योबिक डिसेंट्री है, अम्योबिक हेपेटाइटिस है, जीआरडीएसिस है, ब्लाइंडिडियासिस है, ये सभी यूजेस आप सेम लिख सकते हो, इसलिए मैंने उसको डिटेल में यहाँ पे नहीं लिखा, सिर्फ फॉर्मुलेशन लिखे हैं। तो फॉर्मुलेशन क्या है, तो आइडोक्विनोन वही आईपीडीपी आइडोक्विनोन टैबलेट में अवेलेबल है, और ये मेट्रोक्विन में, मतलब मेट्रोक्विन जो मेट्रोनिडाजोल का ब्रांड नेम है उसके कॉम्बिनेशन में वो अवेलेबल है। सेम एड्रेस क्लियोक्विनोन आल्सो, ये भी मेट्रोक्विन एंड एंटरोक्विनोन में अवेलेबल है, ब्रांड नेम है इसके ये दोनों ड्रग के, और इसका भी जो फॉर्मुलेशन है वो क्लियोक्विनोन टैबलेट ही है, ठीक है। नेक्स्ट जो ड्रग है दैट इज डायलॉक्सिनाइड फ्यूरिड। डायलॉक्सिनाइड फ्यूरिड ये जो ड्रग है वो एनुअल पेपर में राइट इन रिजल्ट्स ऑफ फॉलोइंग ड्रग में ये आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको मेनली यूजेस पे फोकस करना है, प्रॉपर्टीज एंड स्टोरेज भी है उसका, प्रॉपर्टीज में वही वो फ्यूरेट सॉल्ट में अवेलेबल है, फॉर्मिक एसिड का जो फ्यूरेट सॉल्ट बना है उसमें वो अवेलेबल है, तो सॉल्ट है तो वही व्हाइट क्रिस्टल, ऑर्डरलेस, बिटर इन टेस्ट, सोल्युबल इन वाटर रहेगा, स्टोरेज विल बी सिंपल, इट इज स्टोर्ड इन वेलक्रोज कंटेनर। फिर यूजेस, यूजेस में चेंज क्या है, सिम्टोमिक सिस्ट पासर इसके ट्रीटमेंट में ये यूज होता है, बाकी के यूज तो सेम ही है, अम्योबिक हेपेटाइटिस लो या हेपेटिक अमीबियासिस, ठीक है, इंटेस्टाइनल अमीबियासिस, जीआरडीएसिस, ब्लाइंडिडियासिस, ये तो आप उसमें लिख ही सकते हो, लेकिन एक एडिशनल यूजेस है वो है सिम्टोमिक सिस्ट पासर, मतलब अगर कोई पर्टिकुलर पेशेंट को अगर अमीबियासिस हो रहा है और उसके स्टूल से या यूरिन से जो सिस्ट है वो ट्रांसमिट हो रहे हैं, बाहर एग्जिट हो रहे हैं और इट विल बी इन्फेक्ट द अदर पर्सन, तो वो जो सिस्ट का जो पासिंग मूवमेंट है उसको वो ब्रेक करता है, तो उसकी यूरिनेशन में या फिकल मैटर में वो सिस्ट प्रेजेंट नहीं रहेगी, इट विल बी टोटली किल, तो वो एक्टिविटी डायलॉक्सिनाइड फ्यूरिड में है, तो जो स्प्रेडिंग हो रहा था उसको रोकने का काम वो करेगा, इसलिए इट विल बी यूज टू ट्रीट अ सिम्टोमिक सिस्ट पासर, ये एडिशनल यूज आपको उसमें लिखना है। बाकी तो वही अम्यूबिक डिसेंट्री हेपेटिक अब्सेसेस इन द कॉम्बिनेशन विद द ब्लड, इसका फॉर्मुलेशन डायलॉक्सिनाइड फ्यूरिड टैबलेट में अवेलेबल है, एंड द ब्रांड नेम इज ऑल्सो फ्लैगिन, डीएल एंड डायलॉक्सिन, ये ब्रांड नेम इसके अवेलेबल है। नेक्स्ट एंड लास्ट ड्रग इज द पैरामोमाइसिन। पैरामोमाइसिन ये एंटीबायोटिक है जो अमीबियासिस में यूज होता है, अगर कभी घुमा का क्वेश्चन पूछा कि राइट द नेम ऑफ द एंटीबायोटिक यूज इन द अमीबियासिस, तो आपको ड्रग का नाम बताना चाहिए दैट इज द पैरामोमाइसिन। पैरामोमाइसिन ये पोटेंट एंटीबैक्टीरियल ड्रग है जो प्रोटोजोअल इन्फेक्शन में तो यूज होता ही है, लेकिन बैक्टीरिया इन्फेक्शन में भी यूज होता है, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबैक्टीरियल एजेंट भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो फिर उसके यूजेस क्या क्या है, तो जो हमने ऑलरेडी यूजेस पढ़े हैं वही आप लिख सकते हो, इट विल बी मैनेज हेपेटिक कोमा, मतलब हेपेटिक अब्सेसेस, हेपेटिक अमीबियासिस, इंटेस्टाइनल अमीबियासिस, वो आप लिख सकते हो। लेशमेनियासिस में यूज होता है, लेशमेनियासिस मतलब एक स्किन इन्फेक्शन है, काला आजार जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, उसमें यूज होता है।
जीआरडीएल एम्बुला एंड लास्ट इज इंटेस्टाइनल हेमेटियासिस। तो ये सभी यूजेस आप पैरामोसिन में कवर कर सकते हो। मतलब आपको क्या है, अगर आपने मेट्रोनिडाजोल के यूजेस अगर आपने पूरे अच्छे से लर्न कर लिए तो वही यूजेस आप बाकी के ड्रग में रिपीट कर सकते हो, कोई एडिशनल यूजेस लर्न करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट इज द फॉर्मुलेशन, पैरामोसिन टैबलेट एंड पैरामोसिन इंजेक्शन आईपीबीपी उसके इसमें वो अवेलेबल। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, एंटीएमएबिक ड्रग का हमने मेन ड्रग पढ़ा जाती है मेट्रोनिडाजोल, जिसके दो स्ट्रक्चर और दो टाइप्स के केमिकल हम पढ़े, दो स्ट्रक्चर नहीं एक ही स्ट्रक्चर उसके दो टाइप्स के केमिकल। फिर हमने उसके यूजेस पढ़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से लर्न करना है, फाइव यूजेस लर्न करना है। इट इज एंटीएमएबिक ड्रग, इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ अमीबिक हेपेटाइटिस, देन इंटेस्टाइनल अमीबियासिस, फिर जीआरडीएसिस ड्यू टू जीआरडीएल एम्बुला, ब्लैटीडियासिस ड्यू टू ब्लैटीडिया कोली। इतने पांच भी यूजेस आपने अच्छे से लर्न किया है तो आप पूरा ड्रग्स में वो यूजेस कवर कर सकते हैं। ओके,